अलवर शहर के समीप वर्ती चोर डूंगरी के पास रविवार रात चरक ने घर पर खाना बना रहे परिवार के लोगों पर हमला कर चार लोगों को घायल कर दिया। घायलों में तीन एक ही परिवार के हैं और एक अन्य पड़ोसी युवक है। इनमें एक 10 वर्षीय बालिका व एक पड़ोसी युवक की हालत गंभीर है। शहरी क्षेत्र में चोर डूंगरी के पास रात करीब 9:45 बजे जरक निकल रहा था। इसी दौरान वहां खड़े युवक परवीन पर जरक ने हमला कर दिया। हमले में परवीन गंभीर रूप से घायल हो गया। जरक ने अपने पंजे से परवीन की जांघ और दोनों हाथों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। परवीन का एक अंगूठा भी ज्यादा जख्मी हो गया। परवीन के शोर मचाने पर जरक पास ही रामकरण प्रजापत के घर में घुस गया। इस दौरान रामकरण की पत्नी खाना बना रही थी। जरक ने रामकरण, उसकी पत्नी गुड्डी व पुत्री को भी घायल कर दिया। जरक ने 10 वर्षीय बालिका पायल के सिर में दांत गड़ा दिए तथा पैर व हाथ को भी काट लिया, जिससे बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं गुड्डी देवी व उसका पति रामकरण भी घायल हो गए। जरक ने गुड्डी देवी के पांव को जख्मी कर दिया, वहीं रामकरण के पांव को भी जख्मी किया। बाद में आसपास के लोगों ने भगाने के लिए शोर मचाया और लाठियों से उस पर वार किए। बाद में जरक की मौत हो गई। सभी घायलों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां पायल व युवक परवीन को ज्यादा जख्मी होने के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया। सर, इसका अनुभव बफर रेंज के रेंजर शंकर सिंह ने बताया कि जरक के हमले में चार लोग घायल हुए। जरक की मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। लोगों की ओर से जरक को पीटकर मारने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये जरक है जो है ना, और ये जो अगनी आबादी क्षेत्र जो हमारे जंगल के लगता हुआ क्षेत्र है, उसमें कहीं भटक के इस आबादी क्षेत्र में पहुंच गया। वहाँ पे इसने करीब चार लोगों को घायल किया है, जिनका अभी प्राथमिक उपचार और जो भी इनका चल रहा है उपचार यहाँ पे हॉस्पिटल में सामान्य चिकित्सालय में, और इनके सभी के एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा दिए गए हैं। और बाकी अभी जो भी है जो विभागीय जो भी जो नियमानुसार जो सहायता होती है, मुआवजा वगैरह जो भी, वो नियमानुसार दिया जाएगा इनको। इनके उपचार के दौरान जो भी इनकी जो भी हमारे स्टाफ में पाबंद रहेगा, पूरी इनकी देखभाल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मेरा नाम शंकर सिंह शेखावत है, रेंज ऑफिसर हूँ मैं अलवर बता।